फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कजन्स में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर ex-8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फिफ्थ। 5 cos² 60 + 4 sin² 30 - 10² 45° / sin² 30° + cos² 30° इन सबकी वैल्यूज जो हमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से डिनोट करनी है और फिर हमें इसे सॉल्व करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से तो सारी वैल्यूज जो हमने इधर डिनोट कर दिया। cos 60 डिग्री वैल्यू 1/2, sec 30 डिग्री वैल्यू 2/√3, tan 45 डिग्री वैल्यू 1, sin 30 डिग्री वैल्यू 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू 3/√2। चलिए शुरू करते हैं। 5 cos² 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 1/2, तो हम इसका फिर स्क्वायर देंगे, प्लस 4 sec 30 डिग्री 2/√3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10² 45 डिग्री, 45 डिग्री 1, तो उनका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में sin² 30 डिग्री 1/2 स्क्वायर प्लस cos² 30 √3/2 स्क्वायर। 5 × 1/4 प्लस इसका स्क्वायर नहीं तो 4 का स्क्वायर 4 हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 4 × 2 का स्क्वायर हो गया 4 √3 का स्क्वायर हो गया 3, -1 का स्क्वायर हो गया 1 अपॉन 1/√2 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4। इसे आगे सॉल्व करते हैं। 5 × 1/4 हो गया हमारे 5/4 प्लस इसको करेंगे 4 × 4 = 16 / 3 -1 इधर आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा हमारे 4, सॉरी ये हमारे 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम ले लेते हैं, इधर एलसीएम आएगा हमारे 12, इस 4 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 3, तो ऊपर 5 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इससे इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 4, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में, इधर इसका डिनोमिनेटर आएगा हमारे 4, इधर 1 प्लस 3, 5 × 3 = 15 प्लस 64 अपॉन 12, 3 + 1 = 4 अपॉन 4। अभी 4 टर्म बन गई 1 2 3 4, अभी ने 2 टर्म बना लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इनको ऐड कर लेते हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारे आएगा, सॉरी इधर ये -1 भी है, इसका हमने कुछ नहीं किया, इसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, -12 को अगर 1 से 1 के बाद तो हमारा 12 आएगा, तो इधर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर -12 भी आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, इनको करने पर हमारे आएगा 67 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर अपॉन में 12 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, हमारा आएगा 67/12 आंसर।